नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर। इस साल यानी कि साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण इसी हफ्ते लगने वाला है। बता दें कि 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण लगने वाला है। बताया जा रहा है कि यह चंद्र ग्रहण 600 सालों में सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण को लेकर खगोलविदों के साथ साथ मेदिनी ज्योतिषों के जानने वाले इसको लेकर विशेष तौर पर उत्सुक है। बता दें कि भारत में चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 10:59 पर शुरू होगा और दोपहर के 3:07 तक रहेगा। बता दें कि सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार चंद्र ग्रहण 3:28:23 तक रहेगा, जो 2001 से साल 2100 के बीच में 100 साल में किसी भी अन्य ग्रह से अधिक लंबा होगा। नासा ने बताया कि 21वीं सदी में पृथ्वी पर कुल 228 चंद्र ग्रहण लगेंगे। चंद्र ग्रहण केवल उन्हीं जगहों पर दिखाई देता है जहाँ चंद्रमा आकाश के घेरे में यानी कि क्षितिज के ऊपर होता है। एमपी बिड़ला प्लेनेटोरियम के रिसर्च एवं अकादमिक विभाग के निदेशक देवी प्रसाद द्वारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों को जो है यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, साथ ही उत्तरी अमेरिका के लोगों को भी सबसे बेहतरीन चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले इतना लंबा चंद्र ग्रहण 18 फरवरी 1440 को दिखाई पड़ा था और अगला मौका 8 फरवरी 2669 को लगेगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा ये उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र में देखा जा सकता है। भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। इससे पहले 26 मई को चंद्र ग्रहण लगा था जो कि सुपर मून रेड ब्लड मून यानी कि लाल रंग का चांद था। 19 नवंबर को लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण से ठीक दो हफ्ते के बाद यानी कि 4 दिसंबर 2021 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके बाद भारत में अगला चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को देखा जा सकेगा। नासा की माने तो एक साल में अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण लग सकता है। नासा ने यह भी बताया है कि 21वीं सदी में कुल 228 चंद्र ग्रहण लगेंगे। ऐसे में ये जान लेते हैं कि उपछाया किसको कहते हैं। चंद्रमा जब धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करती है तो उसे पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण माना जाता है, लेकिन चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर आ जाती है तो उसे उपछाया ग्रहण कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले भी उपछाया को नहीं मानते हैं, इसलिए वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता। तो इस तरह से कहें कि 19 नवंबर को जो है सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण जो है लगने वाला है। इसको लेकर जो है भारतीय खगोलविदों में और खास करके ज्योतिष के जो जानकार हैं उनके बीच में जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में यह भारत के लिए आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। खासकर अमेरिका में जो है यह चंद्र ग्रहण को आम लोग देख सकते हैं, लेकिन भारत में आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण होने के कारण आप किसी उपकरण के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि नासा ने कहा है कि वे अपने सेटेलाइट के माध्यम से इसे लाइव करेंगे, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो नासा के सेटेलाइट पर जाकर देख सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़े हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।